वाला पेपर है तो अगर गलत भी हुआ तो लेकर आऊंगा। ना नहाने का सर है ये भाई सारा, ये काम देता है ना नहाने में। कोई बोल सकता है देख के नहीं नहाया, देख के थोड़ा शूज उसके अंदर सब में परफ्यूम डाल लिया, कोई देख के बोल सकता हो कि नहीं नहा क्या। हाँ ये निशानी है। छः शाम अभी है मेरा, थोड़ी देर बाद पेपर और उसी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। बट रात मैंने सोचा कि पढ़ लूँगा, चलो थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा। थोड़ी देर बाद वो ऐसा हुआ कि मैं सो गया, फिर मैं अलार्म लगा लिया। मैं कहा सुबह ही तो पढ़ना ही है, सुबह कुछ भी हो। फिर 8 बजे उठा, मैं कहा ठीक है चल उठ जाओ। फिर मैं कहा चल 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद उठा, फिर अभी भी बैठ गया हूँ पढ़ने। तुम्हारे साथ भी होता है क्या, जैसे जैसे पेपर आ रहा है पास में तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम और फ़ोन चलाओगे ज़्यादा, और फिर जब पेपर बिगड़ जाएगा तो मुंह बनाओगे। नाश्ता तो नहीं, अब डायरेक्ट लंच ही होगा अपना। अच्छा कभी तुमने ऐसे 2 पर्सन देखे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं आता पेपर में, फुल कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं? 1-2 ऐसा लग रहा है क्लास व्लास को जा रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा। उधर वाला रिएक्शन तगड़ा होगा उधर से जो होगा, क्योंकि मुझे पता है ना कैसे जाने वाला है। जो टीम लीड कर रहे हैं दो कहीं है, वो लड़की है बाप सुबह से 5-10 मैसेज भेज चुकी है, इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रही है सामने वाले को कि बना के इतना भी क्या सीरियस होना है। हम एक बार सुबह सुबह बोले कि भाइयों सजोर नहीं बनाए हो, भाइयों बहन अपना बना के भेज दो। वो लोग बोले ठीक है भैया ठीक है बना के भेज दो। आज की मैच के लंच में मिला कड़ी आलू की सब्जी और भुइया रोटी और चावल। पेपर तो हो गया ओवर और अभी प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। और एक मजे की बात बताऊँ, क्लास में गया, मैं गया क्लास में, ठीक है। मैम कहती है, मैं लेट हो गया था ना थोड़ा, कहती है सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कोड बताओ। फिर मैं दोस्त से पूछने लगा, मैं कहा कैप, तो कहें कैप आगे, मैं कहा सही में नहीं पता सीरियसली। मेरे साथ लिटरली यही हुआ, मैम बोली अपना क्वेश्चन पेपर आकर तुम लोग लेट हो, वही तो हुआ। हम दोस्त के पास, मैं दोस्त नहीं मेरा मेरे सब्जेक्ट वाला था, हम पता रहे थे, हम बोले भाई अपना सब्जेक्ट कट गया। वही तो वही मैं जोर से बोला ना, मैं थोड़ा दूर था, मैं कहा कौन सा है, कह रहा कैप 267 कहते। मैं 2 तो ये कह रही पूरा बोलो ना, मैं कहा 267 कह, तुम्हें पता ही नहीं सब्जेक्ट कोड, मैं करना। फिर उनने दे दिया जैसे जैसे। पेपर तो बताऊंगा नहीं कैसा गया, खाली तुम डेली के डेली मजाक बनाओगे कि भैया कैसा पेपर है। ठीक ठाक गया, कहे कि हमको मेहनत, क्योंकि पहले से पढ़ लेता हूँ ना, 5 बजे उठ के है ना, ऐसे गाओ उठे थे आज हाँ नहीं उठे थे आज, पहले से पढ़ा हुआ है ना तो दिक्कत ही कहाँ होगी। हमें तो सब्जेक्ट कोड नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था। उधर वाले बीच भाई वाले एक दुकान पे गए तो वहाँ पर उनको बोले भैया कीवी सेक दे दीजिए, ठीक है। अब हमको क्या लगा, जैसे हम शुरू से पीते हैं ओरियो सेक, उसमें ओरियो डाला जाता है, ठीक है, नॉर्मली पीते हैं प्रोटीन सेक, तो इसमें सब डेट्स डाला, सब ओट्स फ्रूट सारा चीज डाला, बनाना सेक में बनाना डाला जाता है। तो हम कीवी बोले कीवी सेक, कीवी शेक में कीवी डाला जाएगा, नॉर्मली बात है। नॉर्मली लॉजिक लगाएं, देखिए हुआ क्या, कीवी कर दिया ये लोग 50 रुपये पीस, हम नॉर्मली लगाए कि भाई 50 रुपये पीस और एक कीवी सेक बनेगा नहीं, कोई 2 पीस तो डालेगा ही। यही सोच के हम बोले सेक दे दो, 10 रुपये ज्यादा लगता है सेक, 60 रुपये लगेगा। हम क्या देखें, वो एक पीस कीवी नहीं डाला, कटिंग तक नहीं डाला। वो क्या किया, एक जूस का डब्बा निकाला, उसमें से एसेंस डाल दिया कीवी का और मिला दिया चीनी डाल के, हो गया कीवी सेक। कीवी सेक लो भैया आपका कीवी सेक। खाली कीवी का स्मेल आ रहा है, रिएक्शन क्या था एसेंस। हम दो बगल में दोस्त बोल रहे भाई मन कर रहा है फेंक दे, पहले तो बहुत ज्यादा चीनी हो गया और ऊपर से कोई फायदा नहीं इसमें, खराब ही जाता है। आधे घंटे में हम लेके आते हैं रोटी, हम रात की रोटी लाते हैं। अभी बात चली जाती है, मैस में खाओ तो एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, बाहर खाओ तो 1 घंटा जाने में पूरा 1.5 घंटा वेस्ट जाता है। इसीलिए यार मैं तो मैस का ये भी एक बेनिफिट है। हमारा नहीं जाता, तुम्हारा पता नहीं कैसे भाई फिटनेस तो बना कर देता नहीं है, एनके में जाओ कभी। अच्छा अभी बात पता चली, आयुष जो है राजमा चावल पे जिंदा है। आज मैस के खाने में ये और खीर, खाने लायक नहीं है आज, मतलब आज इतने बेकार, रात का खाना थोड़ा ठीक नहीं करा। एक दिन होता है वीक में जो खाने लायक ही नहीं रहेंगे, और ये खेड़ दिए जितने चीनी है, खैर कोई नहीं, इतना तो चलता ही है ना, एक दिन चल जाता है, चल जाता है, ठीक है। 50 रुपये प्लेट दे रहे हैं, कहाँ से खाओगे, चलो आज बाहर खा लेते, कोई नहीं। अच्छा आज थोड़ा सही नहीं मिला, खैर एक दिन तो चलता ही है, कोई नहीं तो बाहर ही खा लेते हैं आज। आज तुम्हारे भाई ने डंकी मार दिया, ये BH6 और वो है BH5। मैं 6 वाला हो गया, खैर कोई नहीं, अब 5 वाला हो जाते हैं, थोड़ी देर रुको। आज कुछ तोहफा नहीं करते हैं, ये प्रोजेक्ट के नंबर तो मिल गए तो अभी ऐसे काम आएंगे। शाही पनीर, शाही है कढ़ाई, कढ़ाई पनीर सॉरी, और प्याज पराठा और दही, और सही जैसे अपने आनंदा मदर डेरी। और ये देखो मेट्रो, भाई अभी जा रहे हैं BH1, क्योंकि खाने के बाद पेट ही नहीं भरा इतना,
खैर ये लोग भी सोच रहे होंगे कितना खाते हैं यार, यही तो मैं सोच रहा हूँ। नहीं खाते भाई, बस रात में ही मिलता है, रात में थोड़ा सही से खाते जाते हैं, सुबह सुबह जब उठते तो ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है, तो बस तो रात में ही मिलता है भाई, सुबह नाश्ता नहीं कर पाते तो रात में खा लो जितना खाना। ऐसे ही चलता रहा तो तुम लोग कहोगे भैया एक फूड व्लॉगिंग चैनल भी डाल दो, बुरे दिन तो खाते ही रहते हो। नहीं बोल दे, डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही है बस टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है। क्या आज हमको मिला है वहाँ स्कूल से क्लास में जान दे रहे थे ना तभी मिला है, क्या एक रिसिप्ट मिला है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको एकेडमिक बेनिफिट चाहिए जैसे कि आपका अटेंडेंस ना लगे, प्रॉब्लम ना हो, ग्रेड बढ़ जाए, तो आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में काम कीजिए जैसे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं, आप दुकान खोल सकते हैं, चाहे कुछ कर सकते हैं, कुछ भी उसमें काम कीजिए, अगर आपको ग्रेड वगैरह बढ़ा देगा और अटेंडेंस फ्री मिलेगा। किसी दुकान पर जाओगे हमें काम की जरूरत है, घर वाले पैसे नहीं डालते, ऐसे देखते हैं क्या पता, अगर वही बोलने में काम दे दे ठीक है, होगा पीछे जा बर्तन धुल फिर। अरे भैया आपके पास बर्तन है, अब डिस्पोजेबल कह रहे, अच्छा तुम धुलो, तुमसे ज्यादा पैसे देंगे, तुमसे डबल देंगे, चल धुल तू। अच्छा चले जयपुर, 6000 जयपुर 5999। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो है ये तो मैं बहुत बड़ा बहुत बड़ा मॉल हाँ। है बहुत अच्छा वो तो है और किला बहुत है वहाँ हाँ। किला मैंने देखे मतलब, और जो व्यू आता है भाई एक नंबर, बहुत तगड़ा व्यू आता है, मतलब बहुत मिलता है बहुत। तो अभी गुप्तों से पता चला जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं 75% बीटेक करके एमबीए करते हैं, ऐसा क्यों? पैकेज बहुत ज़्यादा मिलता है और काम एकदम फुद्दू वाला, मतलब एकदम ईजी काम और पैकेज ही बहुत ज़्यादा, ताकि ग्रेजुएशन जाइएगा ना सबको काम बहुत ज़्यादा मिलेगा, पैसा भले दे दे लेकिन काम बहुत ज़्यादा दे देगा, बहुत काम और पैसा देगा, पॉइंट ओवर का काम कराएगा 100 ओवर का। हाँ ग्रेजुएशन करने के बाद ही होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए एमबीए खास करके अभी के समय में बस। अब अगर आप एमबीए किए हैं और हम ये ग्रेजुएशन किए हैं, मतलब हम बीबीए किए हैं, आप जो बोलेंगे सब सही, भले हम कितना सही बोल रहे हैं। चलिए फिर जाइए, एक कप चाय लेके आइए हमारे लिए, जाइए जाइए। तुम्हें ये हर जगह मिल जाएंगे स्नैप के 14, शायद हाथ जोड़े ना जोड़े भगवान के आगे। फिलहाल गणपति बाबा जी की स्थापना कर दी है भाई ने, एक तेलुगु वाली दुकान है, तो काफ़ी अच्छा लगा। क्या कौन सा मोमो भाई? इस वाली शॉप पे तो है नहीं स्टीम मोमो, देखते हैं दूसरी शॉप पे खाते हैं। गलती से पेमेंट जो है वो सामने वाली शॉप पे कर दिया, तो चले गए सामने वाले के स्कैनर में, और हम आंटी से कह रहे हमने पे कर दिया, तो बाय मिस्टेक इनके यहाँ पे कर दिया हमने, तो अभी इनसे रिटर्न देखते हैं, बात करते हैं। अभी जस्ट हाँ बैच मोमो आपके यहाँ थे नहीं तो आंटी के यहाँ गए थे, तो स्कैनर आपका था इधर। अच्छा इधर इधर ही देख लीजिए, यही नाम है ना भैया आपका, नाम यही नहीं होगा, 60 करा, गलती से हो गया भैया, कुर्ती दे दीजिए, कोक दे दीजिए। तो भाई भैया ऑनेस्ट है, ऐसा वो नहीं करा, बहस वोस नहीं करी भैया ने, सीधे नॉर्मली दे दिया। बहस करते भी नहीं, अगर बोलते बहस करेंगे हम पैसे दिए ना गाड़ी पे खा लेंगे। कोई नहीं वो तो मजाक की बात अलग है, अगर बहस भी करते तो हम ऐसे नहीं करते। हाँ कोई नहीं, चलो किस्मत थोड़ी ले आया ना, सीधा सा बात है, गलती अपना था। हाँ इधर सही से भाई स्टीम ही नहीं है, ऐसा लग रहा मैदा बंद करके उसमें सामान रख के वो सोयाबीन के चूरा रख के दे दिया, मज़ा नहीं आ रहा। सजेस्ट करूँगा अगर एलपीयू में हो आंटी के आगे मोमो मत खाना, क्योंकि यार मैं सही बता रहा हूँ रियलिटी, बिल्कुल ऐसे चिपक रहे थे ना वो मोमो, सही से स्टीम भी नहीं थे, हम लोगों ने फेंक दिए, फिर सही बताऊँ खाए नहीं, ऐसा लग रहा मैदा के अंदर चूरा भर के ऐसे ही दे दिया। कोल्ड ड्रिंक इसलिए लिए क्योंकि यार यहाँ से मतलब खुद फील हो जाता है जब कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रही तो मैं कोक ले ले रहे। तो गाइस एक फूड ब्लॉगिंग चैनल खोल लिया, अभी ये लिया है क्या है, लोटो चोको पाई। तो भैया इसके इंग्रेडिएंट बताएंगे, 90% शुगर, 10% मैदा। भैया तो कैसे बनाते हैं आप इसे? हाथों से भैया। तो भैया और क्या पड़ेगा इसमें, चॉकलेट नहीं पड़ती क्या? ये काली कैसे करते हैं आप? वो आपको बता देंगे, फिर आप नहीं खाइएगा भैया, वो सीक्रेट है। तो गाइस अगर आप भैया के यहाँ से सामान ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। मैं भैया की दुकान पे आया था, अब भैया बदतमीजी से बात कर रहे थे। नहीं मैं बस तमीज नहीं लेकिन कमीज है। क्या नाम है आपका? मंगरू। मंगरू हाँ क्या मसला है आपका? मसला नहीं, तसला हो जाए।